Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Shivi 888. Guys, reading को start करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो guys please subscribe my channel. Guys, ये एक general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो, तो आप इस reading को positive way में लीजिएगा. जितना आपसे resonate हो उसे रखिए, बाकी को ignore कीजिए. और गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइस रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो गाइस आज जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ऑल्सो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, मेरा एक और न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 के नाम से, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन सेल्फ रिस्पेक्ट मैच्योरिटी सोलमेट्स क्रिएटिविटी life purpose and connection. Or bottom से we have, oh my god, divine feminine, sacred woman, love, commitment. Wow, क्या cards आए हैं. आज की रीडिंग तो बहुत जबरदस्त है. डिवाइन मैस्कुलिन से स्टार्ट हुई, डिवाइन फेमिनिन पर खत्म हो गई जाके, क्या बात है. तो क्या सोच रहे हैं आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, सबसे पहले तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये आपको डिवाइन फेमिनिन सोच रहे हैं अपनी, ठीक है. वन एंड ओनली डिवाइन फेमिनिन किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, किसी भी पार्टनर के लिए परफेक्ट मैच है. जो भी आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में देख रहा है, इट मीन्स कि वो आपको दुनिया का एक ऐसा इंसान मान रहा है जो उसको मतलब किसी और में आज तक ना तो दिखा है ना ही कभी दिख सकता है. मतलब वो ये कह रहा है या ये कह रही है कि ये जो इंसान है ये सबसे हटके है और ऐसा कोई नहीं, ठीक है. तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है. आप इस पर्सन के परफेक्ट वन एंड ओनली मैच हो. ओके, दूसरा कार्ड है यहां पर डिस्टॉर्टेड फैमिलिन का. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन कभी कभी आपकी एनर्जीज को इस तरीके से महसूस करते हैं कि आप दुखी हो या फिर हर्ट हो. डिस्टॉर्टेड एनर्जी ये पर्सन आपकी फील करते हैं, और कभी कभी ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप थोड़ा सा हर्ट हो इस पर्सन की वजह से. क्योंकि यहाँ डिवाइन फैमिलिन भी है और डिस्टॉर्टेड फैमिलिन भी है, तो मैं ये कहूंगी कि कई बार ये पर्सन आपको यू नो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी फील कर पाते हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ दोनों ही एनर्जीज आई हैं, तो मैं कहूंगी कि दोनों ही एनर्जीज में देखते हैं. समटाइम्स उस पर्सन को आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग और आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग फील होती हैं, लेकिन कई बार ये पर्सन आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड फील कर पाते हैं. डिस्टॉर्टेड एनर्जीज पिक होती है इस पर्सन को आपकी, कि आप हर्ट हो या आपको कुछ यू नो आपको थोड़ी सी तकलीफ है, समथिंग लाइक दैट. यहां पर सेक्रेट वूमेन भी है, सो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस पर्सन को आपसे एक एंजेलिक वाइब आती है गाइस, बहुत ज्यादा. मतलब सेक्रेट वूमेन मतलब जिसकी पूजा की जा सके, ठीक है, जिसमें आपको यू नो ईश्वर की झलक दिखे, वो है सेक्रेट वूमेन.
सेक्रेट वुमेन बात करती है कि जिसमें आपको ईश्वर की झलक दिखे, ठीक है, जो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि जो जो पुरुष या स्त्री आपके लिए वंदनीय हो, जिसकी आप जिसको आपको लगे कि इंसान के रूप में भी मैं इसकी पूजा कर सकता हूँ, ठीक है, वो है सेक्रेट वुमेन का कार्ड। ठीक है, जब आपके अंदर या फिर किसी इंसान के अंदर आपको परमात्मा दिखाई देने लगे, ठीक है, उसकी जगह इतनी रिस्पेक्ट उस व्यक्ति के मन, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में बढ़ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं हम सेक्रेट वुमेन। तो मतलब इस पर्सन के मन में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट जाग गई है, इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं एक आपने वो गाना सुना होगा कि रब ने बना दी जोड़ी का एक एक सॉन्ग है कि ना कुछ मांगा ना कुछ चाहत, तूने दिल से दिया जो दिया, ठीक है, आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं। तो बिल्कुल वही वाली एनर्जी है कि आपने हमेशा दिल से दिया, इस पर्सन ने शायद कभी मांगा नहीं, कभी चाहा नहीं, लेकिन आपने फिर भी दिया। तो एंड में एक ऐसे इंसान को आप सीधे फिर उसमें रब दिखने लगता है बेसिकली, तो वही एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्ड है लव, अनकंडीशनल लव, ये पर्सन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, ठीक है, दूर रहकर भी फील कर पा रहे हैं। ऑल्सो कार्ड है कमिटमेंट का, मतलब तैयार है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आए हैं तो तैयार है कमिटमेंट के लिए। यहाँ पर सोलमेट सा कार्ड है, यहाँ भी कपल है, यहाँ भी कपल है, वहां भी कपल है, वहां भी कपल है, तो मतलब यहाँ पर कपल बहुत नजर आ रहे हैं, सोलमेट मान रहे हैं गाइस ये पर्सन आपको अपना, ठीक है, परफेक्ट सोलमेट। ओके, क्रिएटिविटी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, चाहे आप लोग एक इमोशनल लेवल पर अपने आप को देखो या चाहे फाइनेंशियल लेवल पर देखो, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो उस पर्सन को, बिजनेस बनाने में या फिर बहुत सारी चीजें करने में, ठीक है, जैसे आप इस पर्सन के लिए अंदर भी, अंदर घर के अंदर भी परफेक्ट मैच हो और घर के बाहर भी परफेक्ट मैच हो। कहने का मतलब है कि आप इस पर्सन की फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प कर सकते हो, ठीक है, ऑल्सो आप इस पर्सन की घर के अंदर भी बहुत हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा पार्टनर जो आपको हर टाइम, हर दिन, हर समय पर किसी भी चीज में सपोर्ट कर सके, राइट। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तभी कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कार्ड है, लाइफ पर्पस। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि लाइफ ने आपको मिलाया है, तो कुछ यहाँ पर डेस्टाइंड इस पर्सन को फील होता है आपके साथ कि है कुछ ना कुछ तो डेस्टाइंड है आप दोनों का, आप दोनों यूं ही तो नहीं मिले हो, यूं ही मिलकर बिछड़ने के लिए तो आप नहीं आए हो, कुछ ना कुछ तो अभी लाइफ का ऐसा चैप्टर है जो अभी सामने आकर खुलेगा और पता चलेगा कि लाइफ ने आपको क्यों मिलाया था, क्या पर्पस है आप दोनों का, लाइफ पर्पस क्या है बेसिकली साथ में आने का। ऑल्सो एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन, बहुत ही डीप कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, जो किसी के साथ नहीं करते हैं, ये सिर्फ डिवाइन फैमिलियन के साथ करते हैं, राइट। मैच्योरिटी मतलब वो कहते नहीं कि आपने इतना इस पर्सन को मैच्योर कर दिया, बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को मैच्योर कर दिया अभी तक, ठीक है, इतनी मैच्योरिटी तो मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी भी नहीं दिखाई जितनी मैच्योरिटी ये पर्सन अब फील करते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं पहले से ये पर्सन, मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो ये चीजें हैं गाइस जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। चूज वाइजली, पेशेंस, प्लानिंग, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, मेमोरीज ऑफ लव, Rejoice and celebration, deception and envy, heart chakra, patience,
एंड शैडो। जिनके बारे में आप सोच रहे हो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए यहां पर ना कार्ड आया है चूज वाइजली का। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है इस वक्त में, ठीक है, और ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, किस चीज को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज पर आपकी पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के पास ऑप्शंस आए हों, हो सकता है अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप किसको चूज करेंगे, क्या आपका फाइनल डिसीजन होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का ऐसा मत है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे और आप डिसीजन अपने दिल से लेंगे, ऐसा इस पर्सन को आपके लिए लगता है। और इस वक्त में ये यही सोच रहे हैं कि इनको ये कितना भी उन्होंने ओवर थिंकिंग करें, इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने दिल से लेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखा है कि आपने इस पर्सन के लिए कितना पेशेंस रखा है, और आपने बहुत ज्यादा पेशेंस इस पर्सन को रखा है, और इस चीज को लेकर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने भी आपके लिए बहुत पेशेंस बनाया है, यू नो, पुरानी ही बातों को याद कर करके आप एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस बनाए हुए हो, ये नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके यू नो इस पेशेंस को, आपकी जो भी धैर्य है इस इंसान के लिए, कहते हैं वेट, हर कोई इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने इस इंसान के लिए इंतजार किया है, पेशेंस रखा है हमेशा, तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए ये पता नहीं कहीं ना कहीं आप खोने से बहुत डरते भी है, ये ओवर थिंक करते हैं कि कहीं आप किसी और दूसरे ऑप्शन पर ना चले जाओ। यहां पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है, तो यहां पर थर्ड पार्टी कोई ऑब्स्टिकल बनी हुई है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी के बीच में जो यहां पर ऑब्स्टिकल के रूप में दिखाई दे रही है, तो इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है अभी कोई ऑब्स्टिकल है और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ये पर्सन डर रहे हैं इस वक्त, क्या आप पेशेंस बना पाएंगे। अभी तक तो आपने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन क्या आप आगे पेशेंस रख पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ऑब्स्टिकल आया है, थर्ड पार्टी जो भी आई है बीच में, आप यहां पर पेशेंस ना बनाएं और आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, आप अपने हार्ट से डिसीजन ना लें, ऐसा भी इस पर्सन के मन में एक डर मुझे नजर आ रहा है। यहां पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करने वाले इंसान हैं, डरते नहीं हैं आप, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस बात करता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को, आपके एक्शन को, आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को। तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके लेंगे, ठीक है, मतलब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आकर ही यहां पर कोई भी डिसीजन लेंगे, आप इस तरीके से डिसीजन नहीं लेंगे कि आप किसी के बहकावे में आकर डिसीजन लें, ऐसा इस पर्सन को आपके लिए लगता है इस वक्त में, ठीक है। यहां पर शैडो है गाइस, शैडोज आ रही हैं बीच में, क्योंकि डिसेप्शन और एनवी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे में कुछ कमियां नजर आती हैं। अगर इस पर्सन को, मतलब आपको नहीं आती है, तो इस पर्सन को तो डेफिनेटली आपको तो डेफिनेटली आती होंगी इस पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां नजर, क्योंकि डिसेप्शन और एनवी दिखा रहा है कि यहां पर शैडो का कार्ड है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी इस पर्सन के अंदर हील नहीं है, या फिर जो इस पर्सन के अंदर की कमियां हैं, और जब तक ये पर्सन अपनी कमियों पर काम नहीं करते, ठीक है, तब तक यहां पर पॉसिबिलिटी कम है कि डिवाइन आपको रिवॉर्ड दें या फिर रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। मतलब ये पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के इंट्यूशंस हैं, और जो इनको ये बोलने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने शैडो पर काम नहीं करोगे, आप अपनी कमियों पर काम नहीं करोगे, तो हम आपको इस वक्त में कोई भी यहां पर जजमेंट नहीं देंगे, हम आपको रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप अपने शैडो पर काम कीजिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, इनको एक तरफ आपको खोने का डर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हालांकि इस पर्सन ने अपने आप को समझाया हुआ है कि आप पेशेंस रख लोगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। दूसरा, इनको इस वक्त में खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि डिवाइन की जो गाइडेंस इस पर्सन के लिए आ रही है वो आ रही है शैडो, काम करो खुद के ऊपर, अपने शैडो पर काम करो, अपने आप को सुधारो, ठीक है। तो ये है गाइस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं,
क्योंकि आपसे बात करने के बाद बैलेंस फील करते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ सॉर्ट्स, जजमेंट, फोर ऑफ वंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, लवर्स, फूल, हाई पीस्टेस, एंड किंग ऑफ वंड्स। और क्या सोच रहे हैं गाइस, जिनके बारे में आप सोच रहे हो? यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त में आपकी तरफ से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के मन के अंदर डर नजर आता है, क्योंकि यहाँ भी सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप इस कनेक्शन को भूल कर मूव ऑन कर जाओ। ये आपके पर्सन की एनर्जीज में नजर आता है विद टू ऑफ सोर्स। इस पर्सन के मन में क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ स्ट्रांगली कि ये पर्सन रातों में सोते नहीं है विथ नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। इस पर्सन को नींद नहीं आती है, किसी साइकिल में नजर आते हैं और ये साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये जिस भी साइकिल में स्टक हैं, जिस भी इंसान के साथ स्टक हैं, जहां भी हैं वहां से निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन दिन रात बस यही दुआ करते रहते हैं कि यूनिवर्स कैसे भी बस इस इंसान को यहाँ से निकाले, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपके पर्सन की लाइफ में वही चल रहा है जो इन्होंने कभी पास्ट में दिया था, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जजमेंट चल रहा है और हाई पीस्ट इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स हाई पीस्टिस को देख रहे हैं। और ये एनर्जी मेरे लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ज्ञानवान एनर्जी है, विजडम है, नॉलेज है इस एनर्जी के पास। तो ये आपको लेकर बहुत ज्यादा जगल करते हैं कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, कहीं आप पेशेंस बनाने में थक ना जाओ और कहीं और ना चले जाओ, बिकॉज ये कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है और ये कनेक्शन वेटिंग में डाला हुआ है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स आपको फोर्स तो करते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं इस कनेक्शन को छोड़ के। इस पर्सन को यही डर है, ये जगल करते रहते हैं कि कहीं आप ना चले जाएं मूव ऑन करके, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स हाई प्रिस्टेस की तरफ ही देख रहे हैं। इनका पूरा मन है हाई प्रिस्टेस को पाने का। यहाँ पर कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये पुरानी बातों में ही खोए हुए रहते हैं। नीचे भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड था। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन पुरानी बातों में ही खोए रहते हैं या आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इनकी एक दिली तमन्ना है आपके साथ मैरिज करना, ठीक है। इनके साथ हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड उस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन की बचपन से ही ऐसी ख्वाहिश नजर आती है कि ये शादी आपके साथ करना चाहते हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो गाइस, इस वक्त वो सरेंडर करके बस इंतजार कर रहे हैं। सन मून की एनर्जी है, अगेन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, ये बहुत ही स्ट्रांग डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ भी लवर्स का कार्ड है, आप लोग बिल्कुल इस तरीके से हो, सूरज और चांद, ठीक है। तो कभी सूरज चमकता है, कभी चांद चमकता है, जब जिसका समय होता है तब वो चमकता है, ठीक है ना। तो जैसे पूरा दिन कंप्लीट करने के लिए रात का होना जरूरी है, मतलब दिन और रात मिलकर एक दिन बनता है, उसी तरीके से इस पर्सन की लाइफ में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रात के दिन नहीं हो सकता है, मतलब दिन ही दिन से पूरा एक दिन नहीं बनता ना, रात का होना जरूरी है। उसी तरीके से पूरी रात से एक दिन नहीं बनता है ना, दिन का होना जरूरी है। तो वही एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट, राइट, मतलब एक दूसरे के पूरा खो बेसिकली आप, ओके। तो ये एनर्जीज हैं डियर जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।